जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए अनुभव लेकर के आया हूँ। साधनाओं के जो अनुभव होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोई साधना करते हैं तो आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो सकते हैं, तो इसलिए पहले से ही आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना और ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, एक ही वीडियो के अंदर मैं दो साधनाओं के अनुभव आपको बताऊंगा। एक तो सबसे पहली साधना विरूपाक्षी साधना। इस साधना के द्वारा जैसे कि लॉटरी का नंबर, सट्टे का नंबर या फिर अकस्मात धन प्राप्ति, ये कार्य इस साधना के द्वारा होते हैं। और सिद्ध सावर मंत्र पर ही मैंने ये वीडियो डाली हुई है और वहाँ से लोगों ने की भी है। अच्छा, साधना करने के बाद साधक को कैसे मतलब अनुभव हुए, कैसे उसको फायदा हुआ, वो अपनी जबानी ही आपको बताएगा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि जी कोई लॉटरी की साधना या फिर कोई सट्टे की साधना दो, तो आपके लिए मैं दे चुका हूँ, अब विश्वास करना ना करना या फिर उसको भाव से करना ना करना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो उस साधना का अनुभव मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। दूसरा, रतनमाला अप्सरा साधना, उसका भी अनुभव जो है आपको इसी वीडियो में दूंगा। यानी दोनों अनुभव आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना। अब देखिए, रतनमाला अप्सरा जो है उसकी भी साधना हमेशा ज़्यादातर सभी प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी के लिए अप्सरा साधना की जाती है। कोई कहता है कि भाई शत्रुओं का विनाश नहीं कर सकती, वो शत्रुओं को भी हटा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कार्य नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही कार्य कर सकती है। लेकिन उस साधना के अंदर जो मैंने साधक को बताए थे कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो साधक को वैसा हुआ, क्योंकि अप्सरा साधनाओं में ऐसे अनुभव आते हैं। तो इसलिए इस साधना के जो अनुभव हैं, इसका जो ये वीडियो है इसको आप पूरी देखना, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा अनुभव हो चुके हों या फिर होने वाले हों या हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो साधक की जबानी ही आप सुनेंगे कि भाई मुझे कैसे अनुभव हुए, और मैंने जैसा उनको बताया था वैसे ही उनको अनुभव भी हुए। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपने मैंने जो सामग्री मंगाई थी मुगा रतन की, तो मुझे मुगा रतन और सामग्री अच्छी तरीके से कुरियर में मिल गई और मैंने 11 दिन की साधना संपन्न की। और आपके आशीर्वाद से और मेरे गुरुजी भगवान शिव के आशीर्वाद से निर्विघ्नम मुझे वो साधना संपन्न हुई। और एक मैं अनुभव बताना चाहता हूँ आपको कि साधना जब शुरुआत की मैंने, तो 4 या 5 दिन के अंदर मेरे कज़िन ब्रदर है मौसी के लड़के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई लकी ड्रॉ की टिकट है, तू लेना चाहता है क्या? तो मैंने उसे हाँ बोल दिया कि तुम ले लो टिकट, पैसा मैं बाद में दे दूँगा। और उन्होंने टिकट ले ली, मुझे पता भी नहीं चला। और साधना का एक दिन बाकी था, 10वां दिन चालू था, तब उसका फ़ोन आया कि भाई लकी ड्रॉ के अंदर 7वां इनाम तुझे लगा है। अमाउंट छोटी सी है, बट इस बात की मुझे खुशी है कि पिछले 20 साल से मैं टिकट ले रहा हूँ, आज तक मुझे कोई इनाम नहीं लगा। ये 20 साल के बाद पहली बार कोई मुझे ये लकी ड्रॉ का इनाम लगा। और सिर्फ मुझे लगता है कि मैंने जो मुंगा रतन महालक्ष्मी प्रयोग की साधना की उसका फल मुझे मिला। तो मैं कोटि कोटि वंदन आपको करता हूँ, और मैं आगे भी साधना और करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी दी हुई साधना से और मार्गदर्शन से मुझे लाभ होने लगा है। और 2-3 और भी ऐसी खबरें अच्छी अच्छी आई जो धन के रिलेटेड है, आर्थिक परिस्थिति के रिलेटेड है, पर अभी उसका काम पेंडिंग है, वो जल्द ही संपन्न होगा। ऐसी मुझे मतलब मन से ऐसी ये हो रही है कि ये संपन्न हो जाएगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो मैं फिर से गुरुदेव आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और
हमेशा आप अच्छी अच्छी साधनाएं देते रहिए और हमें आगे बढ़ते रहेंगे। जय गुरुदेव। अब देखिए, आप सट्टे की साधना का तो अनुभव आप सुन ही चुके हैं और आपको स्वयं पता भी लग गया होगा कि जिन्होंने साधना की है उन्होंने बता भी दिया है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप साधना करते हैं तो आपको लाभ तो होता ही होता है, लेकिन बशर्ते कि आपको उसके अंदर विश्वास होना जरूरी होता है। विश्वास नहीं है तो कहीं भी कुछ नहीं है। विश्वास में ही भगवान है, विश्वास में ही सभी सिद्धियां हैं, सच्चाई ये है, ठीक है। तो इसलिए विश्वास करना तो पड़ेगा। अब इसके बाद में मैं आपको वो साधना का अनुभव सुनवाता हूँ जो रतनमाला अप्सरा का है। अच्छा, अप्सरा साधना में कोई भी अप्सरा साधना हो, सब में ऐसे अनुभव हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रतनमाला का है तो उसी में होगा ऐसा अनुभव। किसी भी साधना में, अप्सरा की साधना में, यक्षिणी की साधना में, योगिनी की साधना में, किसी में भी हो सकते हैं, और बहुत सी वीडियो में मैंने बताई भी हैं, ठीक है। तो आप इस अनुभव को भी सुनो। प्रणाम गुरुदेव, मैं अनिमेश कोलकाता से। मेरे कुछ अनुभव हुए थे गुरुदेव, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने कहा था कि कुछ सूक्ष्म अनुभव हो सकते हैं, तो मुझे कुछ सूक्ष्म अनुभव हुए हैं और दूसरी पुनरावृत्ति में गुरुदेव कुछ अच्छे अनुभव भी हुए हैं मेरे साथ। तो मैं आपसे मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ऑडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी गुरुदेव, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। और गुरुदेव, पहली बात यह है कि जब मैंने पहली पुनरावृत्ति की थी, मतलब पहली बार जब मैं साधना के लिए बैठा था, तो उस वक्त गुरुदेव मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुए थे। 2-4 दिन मुझे कोई भी अनुभव नहीं हुए, लेकिन चौथे या पाँचवें दिन गुरुदेव मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, एक बड़े से पेड़ के नीचे। उस वक्त एक गुरुजी बैठे हुए थे, उनकी मतलब सफ़ेद पोशाक जो थी उनकी सफ़ेद थी, और उनके माथा मतलब सर पे जटाएं थी और उस पर रुद्राक्ष लगे हुए थे जटाओं में, और ऐसे पूरे सादे मतलब सादे बाल थे उनके। तो मैं उनके सामने मैं मतलब आँख बंद करके जब मैं जाप कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं उनके सामने बैठा हूँ, और वो दृश्य इतना मनमोहक था मैं आपको बता नहीं सकता गुरुदेव कि वो दृश्य कैसा था। बस एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बेदी बनी हुई थी, उस पर वो बैठकर जाप कर रहे थे। मैं उनके ठीक निकट सामने ही मैं जाप कर रहा था, तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने खड़े मतलब खड़े होकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जो कर रहे हो अच्छा है, करते रहो, मैं हूँ। बस इतना ही कहा गुरुदेव, उसके बाद वो ध्यान में चले गए। उसके बाद मैं लगातार 2-3 दिनों तक मुझे ये अनुभव हुए, रेगुलर मैं देखता रहा। उसके बाद फिर आज तक मुझे मैंने दूसरी पुनरावृत्ति भी कर ली, पर वो चीज़ मतलब वो जो गुरुजी थे वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिए। लेकिन गुरुदेव, उसके बाद मेरे अनुभव ये हुई थी कि पहली पुनरावृत्ति में मेरी ये सारी अनुभव थी। उसके बाद 2-4 दिन और बीते, तब जब मैं आँख बंद करके मंत्र जाप कर रहा था, तो एक काली सी छाया मेरे आसपास रहती थी हमेशा ही, ये मुझे महसूस होता था, पर मैंने आँख कभी नहीं खोली, मैं मंत्र जाप करता रहा। मंत्र जाप के बाद मैं जब आँख खोलता था, गुरुदेव मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता था, बस दिखाई कुछ भी नहीं देता था। इसी तरह मैं गुरुदेव वो भी मुझे 2-3 दिन तक मुझे कंटिन्यूसली दिखाई दी। जब भी मैं जाप करता रात मतलब जाप करने के लिए माला उठा था, अप्सरा माला, तो उसी वक्त से वो मुझे आँख बंद करके मुझे लगता था मेरे आसपास कोई है। ये अनुभव था गुरुजी पहले पहले साधना में मेरा, पहले जब मैंने साधना शुरू की उस वक्त 21 दिनों तक के अंदर यही मेरी अनुभव थी। और गुरुदेव जब मैंने साधना शुरू की उसके कुछ दिनों के बाद से, मतलब मेरे घर में ऐसा आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरी हालत तभी ऐसी नहीं है कि मैं 10 रुपये में कुछ भी खरीद, मतलब मेरे हाथ में गुरुदेव 10 रुपये भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, बस सिर्फ घर बचा है। और मेरा दुकान भी है वो भी मतलब डूबने के कगार पे है, वो चला जाएगा। इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है गुरुदेव कि मुझे कुछ दिनों पहले थाने में भी जाना पड़ा था। मेरी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी,
और कंटिन्यूअसली गुरुदेव जितने दिन पहली बार मैंने जब 21 दिन की साधना की उस वक्त मुझे मतलब घर पे लड़ाई झगड़े ये सब होते रहे। पर गुरुदेव एक चीज़ और है कि उस मतलब मेरी वाइफ से मेरी नहीं बन रही थी, ऐसे बनती है नॉर्मली जब मैं साधना से पहले भी बात करूँ तो मेरी उससे ठीक ठाक बनती है, कभी कभार लड़ाई झगड़े तो हर घर पे होते हैं, पर सब कुछ ठीक ठाक था। उस साधना के वक्त उसका दिमाग थोड़ा सा मतलब गर्म था मेरी वाइफ का, और बाकी सब ठीक ठाक था गुरुदेव। पर उसने मेरी वाइफ ने 2 बार एक सादे कलर का कुछ धुआं टाइप का देखा था, जो कि बाहर से मेरे मतलब मेरे बेडरूम में मैं साधना कर रहा था, तो उसके अंदर वो आ गए। मैं ये 2 चीज़ मेरी पत्नी को अनुभव हुए, और जब भी मैं साधना करके बाहर निकल जाता, मैं अपने दुकान पे जाता सुबह, तो उस वक्त उसे एक अच्छी सी सुगंध आती थी। मतलब वो सुगंध मतलब धुना जो हम जलाते हैं धुनी, उसकी सुगंध उसे आती थी, और बहुत अच्छी सुगंध थी। वो जस्ट मतलब नाक से गंध लगा और वो निकल गया, इस तरह था। उसे भी अनुभव हुए ये चीज़। ये पहला मेरे जब मैंने पहले शुरू किया 21 दिन में ये सारे अनुभव हुए थे। और दूसरी बार जब मैंने शुरू किया गुरुदेव, उस दिन मेरी पत्नी कुबेर जी की साधना, मतलब कुबेर जी कभी हमारे घर पे नहीं थे, कुबेर दी मतलब कुबेर जी के फोटो भी हमारे घर पे कभी नहीं था, पर मेरी पत्नी को पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगी नहीं मुझे कुबेर जी को आज लाना है घर पे, आज ही लाना है। तो जिस दिन मैं शुरू किया गुरुदेव दूसरी पुनरावृत्ति शुक्रवार से, उसी दिन मैं कुबेर जी को अपने घर में लेके आया। कुबेर जी की मूर्ति, कुबेर जी की एक फ़ोटो फ्रेम में मड़वा के मैं घर पे लेके आया। मेरी पत्नी पता नहीं क्यों उसे एक जुनून या जिद सा सवार हो गया था कि मुझे कुबेर जी की साधना करना है, तो मैं उन्हें घर पे लेके आया। घर में घुसने से पहले उनकी धूप अगरबत्ती फूलों से उनका स्वागत करके मैंने उन्हें घर पे घर के अंदर लेके आया। मंदिर पे मैंने उनको स्थान दिया, उसका नियमित मेरी पत्नी पूजा वगैरह करती है कुबेर महाराज जी का। उसके बाद गुरुदेव मैंने साधना उसी दिन रात्रि से शुरू की शुक्रवार से, तो उस टाइम मुझे कुछ भी अनुभव गुरुदेव नहीं हुआ है। बीच में मुझे एक अनुभव हुए थे गुरुदेव, वो था मतलब आखिरी मेरा आखिरी जो 4-5 दिन था उसमें मुझे गजब के अनुभव हुए हैं। उसमें यह था कि गुरुदेव मैं मतलब एक दो लड़कियां हैं, उसमें से दो मैंने जब नाम पुकारा वो मेरी साली है, पर जब उनका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट उनका जो शरीर का रंग है वो अस्वाभाविक तरह का मतलब रंग है, वो रंग आज तक मैंने कभी नहीं देखा है, वो रंग मुझे अनुभव हुए थे। और वो मेरे साथ एक वासना का भाव था उनके अंदर, तो मैं उनसे दूर रहा, नहीं ये गलत है गलत है, मैं सपने में ही देखता हूँ गुरुजी भी ये सब लगातार 3-4 दिन होते हैं मेरे साथ हुआ है। लेकिन आखिरी दिन गुरुदेव, जिस दिन मेरी आखिरी दिन थी, उस दिन सुबह से मतलब मैं साधना के वक्त गुरुदेव एक टाइम पे खाना खाता हूँ, एक टाइम पे मैं उपवास रखता था, फल वगैरह खाता था मैं। और जिस दिन मेरी साधना का अंतिम दिन था गुरुदेव, उस दिन दोपहर को मैं दुकान गया, तो दुकान के अंदर मेरा एक रूम है, वहाँ मैं दोपहर को दुकान बंद करके थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। तो उस वक्त गुरुदेव जब मैं आराम कर रहा था दोपहर को, तो मुझे इतनी गहरी नींद लगी जो आज तक कभी मुझे नहीं लगी। उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि एक खुले आसमान के नीचे फूलों का बगीचा है। वो किस तरह के फूल है गुरुदेव मैं आपको बता नहीं सकता, बट बहुत ही मनमोहक दृश्य था वो। एक बेड है, बहुत बड़ा सा बेड है, उस पर मैं लेटा हुआ हूँ, मैं नींद में हूँ, और एक मेरे ऊपर एक कंबल या रजाई टाइप की है जो एकदम मखमल जैसी सफ़ेद थी। वो मैं सोया हुआ हूँ, मेरे बगल में कोई एक स्त्री सोई हुई है मेरे साथ ही लग के मुझे पकड़ के, पर मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। उनके एक ड्रेस में गुरुदेव, वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, एक कचूली टाइप की जैसे अप्सराओं के चित्र में हम देखते हैं सेम वैसा ही था, पर वो ब्लैक कलर का था, और उनका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो अति सुंदर थी। और वो मेरे साथ संभोग करने के लिए इच्छुक थी, तो मैं उन्हें नींद में ही बोल रहा हूँ कि ऐसा आप मत कीजिए, मेरी आज साधना भंग हो जाएगी, मेरी साधना भंग हो जाएगी, मैं अपने गुरुदेव का स्मरण
उस वक्त करने लगा, पर पता नहीं क्यों उनका दाहिना हाथ मेरे लिंग पे गया। तो मैंने उन्हें मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए, गलत है, मेरे लिए गलत है ये। तो वो नहीं मानी, फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ हटा लिया और फिर बायां हाथ मेरे लिंग पे दिया और उसे मतलब संभोग के लिए तैयार करने लगी। तो मैं मना करता रहा हूँ उनसे, मैं मना करता रहा, मैं गुरुदेव का नाम जाप करता रहा, पर इतनी मतलब तीव्रता थी उस मतलब संभोग के लिए कि मेरा सच में गुरुदेव वीर्यपात हो गया। पर जैसे ही वीर्यपात हुआ मैं तुरंत उठ गया, मैं उठ के बाथरूम में गया। मैंने सोचा कि मेरी साधना भंग हो गई, पर आपने जैसे कहा था कि इस तरह के अनुभव हो सकते हैं आपके साथ, तो इससे साधना को मैं भंग ना समझूं। मैंने उस दिन पूरी साधना पूरी की, साधना को मैंने कंप्लीट किया रात को। तो गुरुदेव अभी मैं साधना कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 तारीख से मैं फिर से साधना कर रहूँगा, रत्नमाला अप्सरा जी का तीसरा पुनरावृत्ति मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं इस बार मैं गुरुदेव मैं सावर मंत्र का प्रयोग करूँगा जो आपने दिया था, ओम नमो आदेश गुरु का रत्नमाला अप्सरा, आपने अमुक कहा था, मैंने रत्नमाला अप्सरा प्रकट हो मेरो कहियो करे, जो ना करे तो महादेव गौरा पार्वती की दुहाई दुहाई क्रोध भैरव की, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ गुरुदेव। तो मेरे अनुभव यही थे और मैं जो सावर मंत्र जो मैंने अभी बताया गुरुदेव, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें। और गुरुदेव मुझे मतलब मेरी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है गुरुदेव, पर पता नहीं मतलब मेरे ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, तो आपने दोनों साधनाओं के अनुभव सुन चुके हैं और दोनों साधनाओं के अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। तो देखिए, जिनको वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें और उस पर ऑल के फंक्शन पर क्लिक करना, जिससे कि नया लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालता हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए, वरना आपको वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए आप बेल के बटन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक किया करो। यही पुराने जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।